व्हाट्सअप आई नो भाई, मैं बहुत लेट हो गया। आई एम रियली सॉरी भाई, बहुत सारे गाने आए इस बीच में, इस वजह से कवर नहीं कर पाया। ब्लैक मामा बाय बेला डेफिनेटली क्यों नहीं कवर करूंगा भाई मैं। बेला 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 बहुत कम रियल आर्टिस्ट है सीन में, जो सीन के लिए जो रूट्स को नहीं छोड़ रहे ना। मैं क्या ही बोलूँ, ज्यादा बोलूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो दिक्कत नहीं करते हुए बाकी सारी बातें बाद में करेंगे। फिलहाल सुनते हैं ब्लैक मामा, तो बेटा हेडफोन जरा प्रकट हो जाओ। देखो मैं ज्यादा वो सब नहीं बोलूंगा, कुछ भी जो लिखा हुआ है डिस विस है ना, नीचे डिस को समझा दिया गया है। मुझे लग रहा है चैट जीपीटी से आंसर क्वेश्चन पूछे तो आंसर मिलता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सो डिस, लेकिन इस गाने में किसी को डिस है डिस मुझे नहीं पता, वो देखते हैं। ऐसे वाले प्रोडक्शन मुझे जब मिल जाता ना तो फिर समझ नहीं रहे भाई, हेड बैंगिंग बैंगर और बेंग बुंगा। ठीक है, लाइक ओके, मैं देखना जा रहा हूँ। म्यूजिक बाय बेला, ठीक है, सही है सही है। मुझे कैसी फील आ रही है, पता मुझे कैसी फील आ रही है, मुझे लग रहा है जैसे मैं किसी अंडरग्राउंड फाड़ आर्टिस्ट को सुन रहा हूँ। ठीक है, लाइक मतलब मैं 3 साल पहले जैसे बेला गाने बनाता था, है ना, मतलब समझ रहे हो, मुझे वो वाली फील आ रही है भाई। ठीक है, जैसे कि बहुत ज्यादा स्किल्ड कोई अंडरग्राउंड आर्टिस्ट, ओ वैसा वाला। मरमेड चाहिए हूँ मैं, ओशन लव मेरे सबलिमिनल से नहीं होता रिकवर, सिंपली मेरे गाने सिंफनी लेके आता रोज मेरे घर पे, मैं कंपनी लेनी मुझे फटाफट 26 में मर्सिडीज, देगा मुझे हेट मेरे फैन तेरी कर देंगे तस्करी, हिल मेरी कभी भी ना लैग करी, फैंस इन माय बालकनी फील हो रहा मक्करी, मेरे माइंड में तो चले सैंपलिंग वर्बली, कभी मेरे गाने मेरे माइंड में तो चले सैंपलिंग वर्बली, डैम कभी भी ना लैग करी, फैंस इन माय बालकनी फील हो रहा मक्करी, मेरे माइंड में तो चले सैंपलिंग वर्बली, कभी मेरे गाने के आउटपुट बहुत ज्यादा लक्ज़री, धड़कन गाने पे कुछ सरप्राइज पे तो बने सर मुझे गाना सुनने दो। ठीक है, बाकी तुम्हें पता मैं रोकूंगा। मेरे पंटर सीधा तेरे घर पर चल, कैसे बनेगी पंटर पंटर हो गया डॉक्यूमेंट्री वाला बहुत विजनरी, और तू लिटरली कम साले घर से तू चला तेरी आर्चरी कम, पार्शियली चला रही है मेरे 4 गाने कम, मुझे पूरे 10 मिले तुझे 8 आने कम, मुझे पहाड़ वाले सुने तुझे लोकल कम, क्योंकि फोकस नहीं है तेरा कोरस बचता नहीं ग्लोबल, 00666 खुला पोर्टल हाइपर स्पेस में हाइपर लूप विद टाइम मशीन में टाइम में आगे टाइम में पीछे, आई विल टेक द टाइम टू रिकॉग्नाइज देन एम्फसाइज के पहला सामने। भाई मुझे बिल्कुल फील आ रहा, मेरे को खाली एक ही फील आ रहा है जैसे मैं किसी अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को सुन रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आजकल जो आर्टिस्ट हैं वो इतना हैवी रैप नहीं बनाते हैं, दे ट्राई टू मेक अ वाइब, क्रिएट अ वाइब, है ना, गिव वाइबी वाला चीज देते हैं, मतलब रैप में भी वो थोड़ी वाइब देते हैं, बट ये तो प्रॉपर अंडरग्राउंड रैप सॉन्ग वाला है भाई ये सीन। हाँ मैंने बहुत अंडरग्राउंड सुना है भाई, तो है मेरे को वही आ रहा है, क्या करूं, लूप विद टाइम मशीन में टाइम में आगे टाइम में पीछे, आई विल टेक द टाइम टू रिकॉग्नाइज देन एम्फसाइज के पहला सामने, शो मेरा सिंबलाइज, पहला पहले जिन पे लाए फिर जिन बुलाए, हाथ पैर ओली मेरी नेक पे आई, सदर वासा खुला चेहरे पे प्रेस बुलाए, तो मैं भी करूं मेरी एनर्जीज एम्प्लीफाई, बजे मेरी गाड़ी की शीशे डाउन, ला देगा ये गाना कहां से कहां जा रहा है, मुझे फ्री स्टाइल वाला फील आ रहा है। ठीक है, लाइक किसी भी टॉपिक को पकड़ गए, रैप चलता चला जा रहा है, तो मैं भी करूं मेरी एनर्जीज एम्प्लीफाई, बजे मेरी गाड़ी की शीशे डाउन, ला देगा एक आदमी ही रेवोल्यूशन, पता नहीं है हाउ मेनी मेन बीन डाउन, आई नीड अ मूवमेंट दिस इल्यूजन नो मैं चूजिंग, ओह माय गॉड, ये केंड्रिक ज्यादा सुना जा रहा है आजकल। ठीक है, ये केंड्रिक वाला फील, एक आदमी ही रेवोल्यूशन, पता नहीं है हाउ मेनी मेन बीन डाउन, आई नीड अ मूवमेंट दिस इल्यूजन नो मैं चूजिंग कंफ्यूजन विद म्यूजिक सो आई मेक एवरीबॉडी लेविटेट एज अ ह्यूमन, मेरे आर्टिस्ट बिग बिग मैंने कहा था ना केंड्रिक वाला, ये बिल्कुल एडलिब, जो सेकंड वोकल लेयर चल रही थी वो केंड्रिक की याद दिलाई कि नहीं दिलाई, Fusion, no, I'm choosing confusion with music, so I make everybody levitate as a human. मेरे आगे artist caliber, 3-4 manager, cosmic vibe लेके आऊँ. Lily, मैंने painkiller सारी रात rave किया, दोस्तों ने high करा रखा पूरा crowd. इनसे पूछ मेरा नाम. Snake guys, I'm Mamba. Rap करूँ जो भी कहे मेरी आत्मा. बहुत बढ़िया गाना design करा है. ठीक है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। लाइक क्या होता है ना चॉपर में, पता है एक दिक्कत क्या हो जाती है चॉपर या इस टाइप का जिसमें बार 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 चलते चले आ रहे होते हैं, थोड़ा बोरिंग हो जाता है मामला, लेकिन इसमें इतने सारे वेरिएशंस डाले हैं गाने में, चाहे वो एडलिब्स हो, चाहे वो स्टटर इफेक्ट डाला है। ठीक है, स्टटर नहीं देखा तुमने, मतलब मैं अभी बताता हूँ, अगर गाने में आ गया तो मैं तुम्हें बताऊंगा क्या है स्टटर इफेक्ट। ठीक है, और एको वेको सब डाल के पूरा गाना बढ़िया पैक करा गया भाई। पहले वाले कोरस में जब इससे पहले गा रहा था शो शो रास्ता,
ठीक है, ये नहीं चल रहा था, ये नहीं चल रहा था, अब चल रहा है बढ़िया। मैं बता रहा हूँ ना, इस गाने को बढ़िया बैक करा है, ठीक है व्यूअर, जनता बिल्कुल घंटा बोर नहीं होएगी। ये गाना लाइव में मॉश पिट बनवाएगा, वैसा वाला गाना है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मतलब सीन में तो कुछ कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है हमारे सीन में नहीं, बाहर के सीन की बात कर रहा हूँ, तो भाई को भी सिमुलेट कर दिया गया। Never took a wrong turn, बना कार में करा मुझे simulate, manipulate, so when I walk, when I walk, थोड़ी cybernate, अब लगे chip जैसा कुछ तो inside my brain करूँ revive। लगी, topic बहुत बढ़िया पकड़ के चला हुआ है, ठीक है? मुझे simulate, manipulate, so when I walk, when I walk, थोड़ी cybernate, अब लगे chip जैसा कुछ। मेरी जब मैं चलूँ मेरी थोड़ी cybernate है ना, लगी जैसे chip मेरे है ना यहाँ पे। तो inside my brain करूँ revive, तेरी soul करे oscillate, booth में interrogate, बोल साले या तो करूँ। बाप रे बाप, क्या writing है भाई ये। Chip जैसा कुछ तो inside my brain करूँ revive, तेरी soul करे oscillate, booth में interrogate। बोल साले या तो करूं मैगजीन खाली, मुझे कॉल करे बंदियां मैगजीन वाली, मेरा मन भरा रैप से तो मेलोडीज करूं, मेरा साउंड बना वेव, मैंने ला दी सुनामी, चलो बुक माय शो पे, बुक माय शो, पेमेंट लेता हूं मैं 8 लाख कभी कभी ना, स्टेज पे मैं बोल 8 लाख, अरे बाप रे बेला 8 लाख लेता है, हे भगवान, सही टाइम पे मुझे भी रैप पकड़ लेना चाहिए था यार। 8-9 लाख, मैंने ला दी सुनामी, चलो बुक माय शो पे। चलो रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं सीन में फाइनली, आफ्टर कितना ईयर हो गया है उस चीज को, 4-5-6 6-5-6। पेमेंट लेता हूँ मैं 8 लाख कभी कभी ना, स्टेज पे मैं बोला मेरे फ्रेंड से मिलो, वो बेड से उठा के बोली कि तुम होश में तो हो, मैंने प्यार मांगा और वो मैथमेटिक्स फील आ रही। स्टेज पे मैं बोला मेरे फ्रेंड से मिलो, वो स्टेज पे मैं बोला मेरे फ्रेंड से मिलो, बेड से उठा के बोली कि तुम होश में तो हो, बेड से ये स्टेज से बेड कहां से हो गया भाई, लाइक क्या चल, क्या क्या चल क्या रहा है, क्या चल रहा है इस गाने में। मैंने प्यार मांगा और वो मेथामफेटामीन ला रही, मेरे रूटीन चार्ट, मैंने प्यार मांगा और वो मेथामफेटामीन ला रही, फ्रेंड से मिलो, वो बेड से उठा के बोली कि तुम होश में तो हो, मैंने प्यार मांगा और वो मेथामफेटामीन ला रही, मेरे रूटीन मेथामफेटामीन, मेथामफेटामीन, ओके नहीं भाई ये गाना बहुत भयंकर है यार, 25 की तरह पड़ रहा है दिमाग के ऊपर, ठीक है, लेकिन मैं नहीं वो कर पा रहा हूँ इसको, क्या बोलते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं, लिटरली भाई धूम धाम ये चल रहा है गाना, क्या करूं मैं इस गाने के बारे में बात, ठीक है। एक तो वोकैब इतनी भयंकर यूज करी है, जो शब्द इस पे यूज करे वो इतने भयंकर है, जितनी देर मैं शब्द समझता हूं उतनी देर में दूसरी बार आ जाती है, ठीक है, और इतनी तेज, इतनी फास्ट, जे 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 जे, फक, मैं क्या सुनूं, मैं क्या समझूं, पॉजिटिव क्रिटिसाइज कर रहा हूं, ठीक है, नेगेटिव ना समझना मैं तो। मैंने छोड़ दी वो गली जहाँ चल मैं मारी करी, बेमानी बहुतों ने गेम डाली, एनीवे बेस मेरी थमेगी नहीं, ढूंढ लूंगा मेरा फेव प्लेस, मेरी एरिया की रेड लाइट भरे, तुझे डेडलाइन दी है मेरे K9 खड़े चल, तेरे लड़क को उल्टा टांगा, तुझे पर छे टांगने पड़े, आई लाइक दिस पार्ट, गेम डाली एनीवे बेस मेरी थमेगी नहीं, ढूंढ लूंगा मेरा फेव प्लेस, मेरी एरिया की रेड लाइट भरे, तुझे डेडलाइन दी है मेरे K9 खड़े चल, तेरे लड़क को उल्टा टांगा, तुझे पर छे टांगने पड़ते नहीं। आई रियली विश कि एक गन साउंड 4 बार आता, ठीक है, पूरे 4 बार्स में आता है, ता ता ता, हर बार आता है, बहुत मजा आता है, बट भाई क्या गाना बनाया यार, खड़े चल, तेरे लड़क को उल्टा टांगा ना, मुझे पर छे टांगने पड़ते नहीं, कि मैंने शो मेरा सोल्ड आउट मार रहा था, जो रखा मैंने एक्सप्लोजन जैसा मोशन लाइन है, जो कोटेड बड़ा ऑनर्ड बना एक पैक बोला चल, मैं तुम्हें सही बताऊं, मैं मुंडी हिला रहा हूं अभी, एक्सप्लोजन वाली लाइन तो मेरे को समझ भी नहीं आई, जो रखा मैंने एक्सप्लोजन जैसा मोशन लाइन, जैसे मोशन लाइन
जो कोटेड बड़ा ऑनर्ड बना एक पैक बोला चली पूरी बोतल सिगरेट मेरी बुझती नहीं चला होटल मैं मेरा क्रू बिना साउंड चेक करे कब से मैंने दिन के ना रियली विश इस गाने का वीडियो होता ये गाना नेक्स्ट लेवल ज्यादा अगर इसको बढ़िया से एडिटेड ग्लिची एडिटेड वीडियो बनाते ना भाई ये गाना बहुत अलग वाइब देता बोतल सिगरेट मेरी बुझती नहीं चला होटल मैं मेरा क्रू बिना साउंड चेक करे कब से मैंने दिन के ना चुने पकड़े हैं हफ्ते के गाना निकला जो पीसी से तो फटा सीपी और तभी करी डीपी मैंने दुनिया के 32 शेड इस गाने के बारे में इतनी बात क्यों हुई मैंने सीन में लोगों को ज्यादा बात करते देखी नहीं थी माई बैड मैंने नहीं करी मेरी गलती मैंने नहीं करी इसके बारे में बात आप कर रहा हूँ लेकिन बट मैंने रिएक्शन चैनल्स तो चेक नहीं करे कि कितने लोगों ने इसको कवर करा कितने लेकिन मुझे ज्यादा लोग इसके बारे में बात करते ही दिखे ब्रो लाइक मैं पेजेस फॉलो करता हूँ DHH वाले नो बडी और मेबी मैं इग्नोर कर रहा था मुझे नहीं पता लेकिन ये इतना फक लेवल का गाना है इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है तेरे पैरों को मेरे शू में डाला रैटल स्नेक की आवाज से शुरू हुआ ये रैटल स्नेक की आवाज से शुरू हुआ रैटल स्नेक की आवाज से खत्म हुआ गाना बहुत ही ज्यादा फाड़ था देखो कैमरा की बैटरी जा रही है लेकिन अंत की में हम अपना टिप्पणी दे दे आपको गाना बहुत ही सही था ब्रो लेकिन लिटरली ये पूरा मुझे प्रॉपर अंडरग्राउंड रैप की याद दिला रहा था ये गाना एंड इस गाने के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है मुझे नहीं पता क्योंकि गाना वन ऑफ अ काइंड है ऐसे गाने तो ज्यादा सीन में नहीं है लाइक फ्रॉम पॉपुलर रैपर्स पॉपुलर आर्टिस्ट ऐसे गाने नहीं है एंड प्रोडक्शन बहुत ही बढ़िया था मुझे सच में एक ही चीज समझ नहीं आ रही कि इसके बारे में किसी ने बात क्यों नहीं करी क्योंकि बहुत ही बढ़िया लेवल का रैप था ये ठीक है और बहुत ही एंटरटेनिंग भी था ठीक है जबकि चॉपर जो होता है ना चॉपर एंटरटेनिंग होते हैं डेफिनेटली होते हैं लेकिन मुझे ऑनेस्टली मुझे गाना अच्छा लगा दैट्स इट बढ़िया डिजाइन करा था बहुत बढ़िया वोकैब यूज करी थी बहुत सारे ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करे जिसके लिए है मैं हो गया आई रियली विश कि इसके लिरिक्स अगर ये डाल देता यहाँ पे पहला है ना तो बहुत मजा आ जाता जब एक एक लाइन समझ आई मुझे ऑनेस्टली मैं बताऊँ मुझे शायद 30% गाना या 20-30% गाना मुझे नहीं समझ आया है मैंने बहुत सारी चीजें मिस कर दी है ना काश इसके लिरिक्स होते यहाँ पे मुझे नहीं पता डिस्क्रिप्शन में लिरिक्स या नहीं है मुझे नहीं दिख रहा कहीं पे भी लिरिक्स इसके लिरिक्स होने चाहिए थे भाई गाना अलग ही बज रहा था तुम लोग बताओ भाई कैसा था मुझे पता है कि बेला के दो और गाने आए हैं लेकिन दुनिया जहां में बहुत गाने आए भाई मुझे सब कवर करना होता है मैं डेली एक ही वीडियो बनाता हूं इस गाने का टारगेट रखते हैं अगर इस वीडियो के एक हफ्ते में 10,000 लाइक हो गए तीन दिन में 10,000 लाइक हो गए तो जो दो गाने बेला के आए दोनों कवर कर दूंगा एक ही वीडियो में ठीक है तो टारगेट कंप्लीट करो इंस्टा पे फॉलो करो रील चेक करो भाई की एक बार क्वालिटी देखो एडिटिंग की अच्छा लगे तो फॉलो करना लेकिन एक बार चेकआउट जरूर करो चलो ठीक है बाय पीस।